नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। तो आज देखने वाले हैं भाई, हमारा हो जाता है बीए थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए आधुनिक भारत का इतिहास। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं और आप लोग, मेरा मानना है कि शुरू से क्लासे सारी की सारी लेते रहेंगे, ठीक है ना। चलो, अगर आप पहले से क्लासे ले रहे हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है भाई। चलते हैं आज के सेशन के लिए। तो सभी के लिए भाई राम राम, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं तो बात करेंगे हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। किसकी? प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो हमने इससे पहले के बारे में जो भी कारण थे युद्ध होने के सारे हमने डिस्कस किए थे। मेरा मानना है कि आपने इससे पहले वाली क्लास अच्छी प्रकार से पढ़ ली होगी। चलो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है ना। चलो तो बात करते हैं, हम देखेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो स्टार्ट कब से कब तक होता है। तो ध्यान रखना है, ये होता है 1746 से 1746 से लेकर कितना 1746 से लेकर हमें 1748 तक देखने को मिलता है, ठीक है ना। मगर कहीं कहीं आपको ये 1744 से लेकर 1748 भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इतना भी आपको कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। तो दोनों बातें क्या करना है, आपको याद रखना है, ठीक है भाई। दोनों बातें याद रखना है। आपसे पूछे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कितनी वर्ष तक चला था, तो ये भी ध्यान रखना 4 साल ही आपको लिख कर देगा वो। कितना? 4 साल ही लिख कर देगा। तो आपको दोनों बातें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक ना। ये कर्नाटक युद्ध है क्या, किस किस के बीच हुआ था, हमने इससे पहले डिस्कस किया था। तो किस किस के बीच हुआ था, आप हो गए फ्रांसी और अंग्रेजों के बीच, क्योंकि हमारे भारत में कौन कौन आते हैं एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिस आते हैं, फिर कौन आते हैं, फिर फ्रांसी आते हैं, ठीक है ना। डेनिस तो अंग्रेजों को क्या करते हैं, जो अपने बात करें डच होते हैं वो तो सीमित, पुर्तगाली होते हैं वो तो अपने सीमित आते हैं गोवा और पुडुचेरी में, सीमित तो आते हैं वहीं पर, उनकी जो केंद्र वगैरह होता है वहीं पर सीमित हो जाते हैं। उसके बाद में बसते कौन है, अंग्रेज, डेनिस और कौन, फ्रांसी, है ना। और जो अंग्रेज डच आते हैं वो तो ज्यादा व्यापार नहीं करते, उनका काम खत्म हो जाता है, वो चले जाते हैं। उसके बाद कौन आते हैं, डेनिस आते हैं। डेनिस अपनी कंपनियों को अंग्रेजों को बेचकर और वो भी चले जाते हैं। तो बसते कौन है, लास्ट में बसते हैं अंग्रेज और फ्रांसी। अब इनके बीच क्या मिलेगा, घोर संघर्ष में देखने को मिलता है। उन्हीं के बीच क्या होता है, उन्हीं के हमें देखने मिलेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो ध्यान रखना ये किस किसके बीच हुआ था, ये हुआ था किसके बीच, फ्रांसी के बीच, फ्रांसी और किसके बीच होता है, आप कहोगे अंग्रेज के बीच होता है। यह हमने इसका ओवरव्यू देखा ऊपर से, ठीक है ना। इतनी बातें आपको तो याद होंगी अगर पहली क्लास आपने ली होगी। तब चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के लिए, ठीक है ना। तो बात करते हैं, 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी युद्ध आरंभ हुआ। हमने यहां तक कल भी पहुंच गए थे यहां से, और वहीं से आगे हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है यूरोप में आप देखोगे तो जो यूरोपीय लोग हैं उनमें युद्ध चलते रहते थे आपस में, है ना, व्यापार के नाते या बात करें क्षेत्रफल के नाते, विस्तार के नाते। तो बात करेंगे 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी का युद्ध। ध्यान रखना, यह आपसे पूछ सकता है कि ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी युद्ध कब हुआ। तो ध्यान रखना है 1740 ईस्वी में यूरोप में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ होता है। जो बात करें 1740 से लेकर 1748 ईस्वी, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस विरोधी पक्षों में थे, किस किसके बीच हुआ था, अभी हमने देखा था किसके बीच, इंग्लैंड मतलब अंग्रेजी और कौन थे, फ्रांसियों के विरोध में यह युद्ध देखने को मिला था। बात करते हैं युद्ध की घोषणा से पूर्व मॉरिसस का गवर्नर जो हुआ करता था वो कौन था, आपको ला बुडेनो था। कौन था, ला बुडेनो। यहां पर क्या मिलेगा, आपको मॉरिसस का गवर्नर देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। बात करते हैं पेरिस में था, इसकी योजना थी कि पूरब में अंग्रेजों के व्यापारिक जहाजों को लूटा जाए। जो कौन था, आप कहोगे जो मॉरिसस का गवर्नर हुआ करता था ला बुडेनो। कौन, ला बुडेनो। इसका क्या उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था कि जो अंग्रेजों के जहाज आ रहे हैं यूरोप से, कहां से, जो भैया जी पूरब से, पूरब मतलब अपने भारत की ओर से जो अंग्रेजों के जहाज आ रहे हैं उनको लूटा जाए। ये किसका उद्देश्य था, ये था भाई ला बुडेनो, जो कहां का गवर्नर हुआ करता था, जो मॉरिसस का गवर्नर हुआ करता था, फ्रांस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलो अगले देखा जाए, इसके लिए उसने फ्रांस की सरकार से जहाजी बेड़ा मांगा। फ्रांस से कहा ला बुडेनो, क्यों कह रहा है भाई,
मुझे आप लोग क्या करो, फ्रांसी सरकार से जहाज का बेड़ा मांग लिया कि मुझे जहाज गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जहाज चाहिए। क्यों चाहिए? तो भाई अंग्रेजों पर क्या करना है, अंग्रेजों के जहाजों को लूटना है। तो बात करेंगे, कंपनी के संचालकों ने इस योजना का विरोध किया, क्योंकि कंपनी के संचालक जानते थे अगर अंग्रेज व्यापार करेंगे तो हमारा व्यापार तो ठप हो गया होगा, साथ में युद्ध भी चल जाएगा। तो बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें भय था कि पूर्व में युद्ध का विस्तार होने से उनका व्यापार को हानि पहुंचेगी, लेकिन फ्रांस की सरकार ने लाबुडेनो को योजना और योजना तथा मांग को स्वीकार कर लिया। जो लाबुडेनो था मॉरिशस का, उसका फ्रांस की जो सरकार थी उसने क्या कह दिया, ठीक है आपकी शर्त में क्या है, मंजूर है, है ना, हम आपके लिए जहाज का बेड़ा भेजते हैं। उसके बाद जो लाबुडेनो था, लाबुडेनो जहाजी बेड़े के साथ मॉरिशस वापस चला गया। ठीक है भाई, अब वापस पहुंचता है, अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ था और फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा मॉरिशस व्यर्थ पड़ा हुआ था। मॉरिशस में फ्रांसीसी बेड़ा जो था वो वहां पर था। अगले बढ़ते हैं फिर, ठीक रहा, चलो दिख रहा है भी। तो बात करेंगे, अतः संचालकों के दबाव के कारण, किसके जो संचालक वगैरह होते हैं उनके दबाव के कारण फ्रांस की सरकार ने जहाजी बेड़ा फ्रांस बुला लिया, है ना, कि भाई आप बाहर आ जाओ, अभी थोड़ी सी स्थिति सही नहीं है। तो बात करते हैं, लेकिन फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा मॉरिशस पहुंचने से अंग्रेजी कंपनी के संचालक आशंकित हो गए कि भाई अब तो विपत्ति आने वाली है। अंग्रेज क्या हो जाते हैं, पहले ही सतर्क हो जाते हैं। बात करेंगे, उसने आग्रह पर ब्रिटिश सरकार ने आग्रह पर उसके आग्रह पर ब्रिटिश सरकार ने वारनेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा पूरब की ओर भेजा कि वारनेट भाई तुम जाओ और पूरब में जाकर देखो हो क्या रहा है, है ना, जो फ्रांसी लोग, जो मॉरिशस वाला जो आया है बोनेडो, वो यहां पर क्या करना चाहता है, वो जहाजी बेड़ों को लूटने की कोशिश करेगा, आप क्या करना है वहां पर जाकर इसकी स्थिति को देखना है। फिर बात करेंगे डुप्ले का तटस्थ प्रयास के बारे में बात करेंगे। अब यहां पर हेडिंग डालेंगे डुप्ले के तटस्थ प्रयास, ठीक है ना, गुप्ले के जो तटस्थ प्रयास थे वो क्या क्या रहे थे, इस युद्ध में क्या भूमिका रही थी डुप्ले की, ये हम बात करेंगे यहां पर। तो बात करेंगे, अंग्रेजी बेड़ों के आने का समाचार ज्ञात होने पर डुप्ले ने मद्रास के अंग्रेजी गवर्नर, अब ध्यान रखना डुप्ले किसका है, डुप्ले है पोंडुचेरी का, जो फ्रांसीसी के अधिकार में हुआ करती थी, ध्यान रखना कौन सी, पोंडुचेरी का गवर्नर कौन है, आपको के डुप्ले है। और बात करेंगे जो मद्रास का गवर्नर है, जो अंग्रेज के हाथों में था मद्रास, उसका गवर्नर कौन था, तो आपको के निकोलस मोर्स, कौन था, गवर्नर निकोलस मोर्स, ध्यान रखना निकोलस मोर्स से प्रस्ताव दिया कि पूरब में शांति रखी जाए, पहले भी ऐसे ही तटस्थ रह चुकी थी। बात करते हैं मोर्स ने कहा, मोर्स ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि मोर्स को तट जो, क्योंकि जो पहले जो हुआ करता था तटों का, वहां के राजा का अधिकार था, यह नहीं कि इंग्लैंड के राजा का अधिकार, इंग्लैंड के गवर्नर का अधिकार, तो उसकी जानकारी उसको नहीं थी, ठीक ना। तो बात करेंगे मोर्स को तटों के बारे में जानकारी नहीं थी, दिया क्योंकि तटस्थता की गारंटी देने में वह असमर्थ था कि भाई तटक कोई जानकारी मेरे पास नहीं है, ये राजक, ये राज्य, राज्य के राजा के अंतर्गत आता है, ये मेरे अंतर्गत नहीं आता, तो मैं इसमें आपकी भूमिका कुछ नहीं कर सकता। ये उन्होंने क्यों क्या कर दिया, प्रस्ताव को स्वीकार अस्वीकार कर दिया। बात करते हैं, इसका कारण यह था कि समुद्र पर अंग्रेजी बेड़े पर राजा के नियंत्रण होता था, क्योंकि समुद्र का जो अंग्रेजी बेड़ा था उस पर किसका नियंत्रण हुआ करता था, उस पर राजा का नियंत्रण हुआ करता था। डुप्ले ने फिर भी शांति बनाए रखने के लिए प्रयास किए, इसके कर्नाटक के नवाब जो हुआ करता था अनवरुद्दीन, कौन, कर्नाटक का नवाब हुआ करता था अनवरुद्दीन, ठीक है ना, उससे भी प्रयास करता है कि संरक्षण के लिए प्रार्थना की। नवाब ने लफोयर्स को चेतावनी दे दी कि वह युद्ध ना करे, जो लफोयर्स था उसको चेतावनी दी कि आप युद्ध ना करें। इस साथ ही डुप्ले ने फ्रांसीसी जहाजी बेड़े को जो लाबुडेनो की अध्यक्षता में मॉरिशस में पड़ा हुआ था, कहां पर, मॉरिशस में, जो करता है कौन, जो डुप्ले होता है वो भारत में इसको कहता है कि आप लोग क्या करेंगे, मद्रास पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया कि आप जो बुडेनो हैं, जो फ्रांस से पड़े हुए हैं,
आप यहां आ जाओ और आपको कहां पर आक्रमण करना है, आपको मद्रास पर आक्रमण करना है। फिर बात करते हैं नवाब के विरोध करने पर वॉर्नेट जहाजी बेड़े के साथ मद्रास छोड़कर मलक्का की ओर चला गया। बोडेनो कहां चला गया, बोडेनो चला गया मलक्का की ओर। मलक्का कहां, इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में जहाज की जगह निकलने की जहाज है, वहां पर पहुंच गया, है ना। तो बात करेंगे उसने फ्रांसीसियों जहाजों को लूटना आरंभ कर दिया, उसने फ्रांसीसी जहाजों को लूटना आरंभ कर दिया जो चीन की ओर से आ रहे थे। अब ला बोडेनो को बुलाया किसने था, ला बोडेनो को बुलाया था तो किसने, डुप्ले ने, जो फ्रांसीसियों का ही था। अब क्या कर रहा है डुप्ले, जो ला बोडेनो है वो फ्रांसीसियों के ही जहाज यहां पर लूट रहा है, देख रहे हो, है ना। तो बात करेंगे उसने फ्रांसीसियों को जहाजों को लूटना आरंभ कर दिया जो चीन की ओर से आ रहे थे। इस प्रकार पूरब में ऑंग्ल फ्रांसीसी युद्ध आरंभ हो चुके थे, ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं। अच्छा बारनेट की बात हो रही है ना, बारनेट तो किसका था, बारनेट तो अंग्रेजों वाला था। तो बारनेट जहाजी बेड़े के साथ मद्रास छोड़कर मलक्का की ओर चला गया। बारनेट कौन था, बारनेट जो अंग्रेज का हुआ करता था गवर्नर मद्रास का, वो मद्रास छोड़कर कहां चला गया, मलक्का की ओर चला गया और फ्रांसियों के जहाजों को वहां पर उसने लूट लिया। बस यही कारण क्या मिलेगा, यही कारण आपको ऑंग्ल फ्रांस से युद्ध देखने को मिलेगा जिसे कर्नाटक युद्ध के अगले बारे में जाना जाने लगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग हमारी रहेगी मद्रास पर फ्रांसियों का अधिकार, मद्रास पर फ्रांसियों का अधिकार कैसे हुआ। आपको कि वर्नेट और कौन, डुप्ले की यहां पर नीति, वर्नेट कहां चला गया, वो चला गया मलक्का की ओर और वहां पर फ्रांस जहाजों को उसने लूट लिया। अब बात करेंगे मद्रास पर फ्रांसियों के अधिकार के लिए, तो बात करेंगे ला बोर्नेट, ला वुडेनो 1746 इसमें पौंडीचेरी पहुंचा, कहां पहुंचा 1746 में, कहां आता है पुडुचेरी आता है। बात करते हैं ला वुडेनो के आने के पहले वॉर्नेट की मृत्यु हो गई, जो वॉर्नेट ने फ्रांसीसी जहाज लूटे थे मलक्का संधि की ओर से जो आ रहे थे, है ना, मलक्का जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया के बीच से जो है वहां से जहाज जो आ रहे थे फ्रांसीसी, उनको किसने लूट लिया था, उसको लूटा था किसने, वॉर्नेट ने। मगर बॉर्नेडो कब पहुंचा, जो मॉरिस का रहने वाला था, जो पुडुचेरी की सहायता करने के लिए, मतलब फ्रांस से सहायता करने के लिए कब पहुंचा, ये 1740 इसमें पुडुचेरी पहुंचता है। उस समय तक जो लाभ जो बॉर्नेट होता है अंग्रेजी मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और उसका अंग्रेजी बेड़े का नेतृत्व पीटन के हाथों में पहुंच गया। अब जो अंग्रेजी गवर्नर बन चुका है मद्रास का, वो कौन बन चुका है, वो पीटन बन चुका था, पीटन के हाथों में चला गया था, जो अयोग्य और रूबी प्रकृति का था। कैसा था, अयोग्य था और भीरू, मतलब गधा और समझ लो बेकार इंसान था, ठीक है ना। ला वुडेनो से पहली मुठभेड़ होने के बाद वह बंगाल चला गया था और वहां इंग्लैंड के सहायता आने की प्रतीक्षा कर रहा था, कौन, आपको गे पीटन, क्योंकि वुडेनो बारनेट की तो मृत्यु हो चुकी है, कौन बन चुका है, पीटन। अब पीटन मद्रास पर अधिकार किसका हो गया, मद्रास पर अधिकार हो चुका है किसका, फ्रांसीसियों का, जो कौन पहुंचा था, जो आ चुका था वुडेनो, कौन था, सॉरी वुडेनो, है ना, वुडेनो जो था उसने अधिकार कहां कर लिया है, मद्रास पर कर लिया। और जो कौन था, पीटन था, वो कहां पहुंच गया, वो बंगाल भाग गया। तो बात करते हैं वहां इंग्लैंड से सहायता प्रदान करने की प्रतीक्षा करने लगा कि कब इंग्लैंड से जहाज आएंगे और हमारी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। चलो अगले की बात करेंगे, बंगाल चला गया और वहां इंग्लैंड की प्रतीक्षा करने लगा, उसने उसके चले जाने से फ्रांसीसियों को मद्रास पर आक्रमण करने का अवसर मिल गया। अब क्या हो गया, फ्रांसीसी कहां चला गया भाई, जो कौन था, पीटर था, कौन था, जो पीटर था वो कहां चला गया, वो तो चला गया कहां पर, आपको के बंगाल चला गया। अब बंगाल चला गया, अब मद्रास क्या है, मद्रास तो रह गया खाली, मद्रास खाली रह गया। अब फ्रांसियों को अधिकार मिल गया कि भाई मद्रास पर आक्रमण किया जाए, तो मद्रास पर आक्रमण करने में
अवसर प्राप्त हो गया और डुप्ले ने नवाबों से यह कहकर अनुमति मांग ली थी, प्राप्त कर ली कि मद्रास अधिकृत करने के बाद उसे नवाब को दे देंगे। जैसे ही हम मद्रास को जीतेंगे उस पर अधिकार आपका रहेगा, जीतेंगे हम मगर हम आपको क्या करेंगे उसको उपहार में दे देंगे। तो बात करते हैं फ्रांसीसियों ने जल और थल से, फ्रांसीसियों ने जल और थल से करके सरलता से मद्रास पर अधिकार कर लिया। मद्रास पर अधिकार किसका हो चुका है आपको, फ्रांसीसियों का हो चुका है, जिस जो किसका अड्डा हुआ करता था, जो बात करेंगे जो अंग्रेजों का अड्डा हुआ करता था। बात करते हैं यही उनकी यही उसकी सफलता प्राप्त हो गई है ना, यहां पर उसको सफलता देखने को मिल जाती है। पहले कर्नाटक युद्ध में डुप्ले ही यहां पर क्या रहता है, सफल रहता है। तो बात करेंगे डुप्ले और ला वुडेनो के मध्य मतभेद यहां पर देखने को अब मिलेंगे, ठीक है ना। इन दोनों के बीच मतभेद देखने को मिलते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हेडिंग डालेंगे डुप्ले और ला वुडेनो के मध्य मतभेद, ठीक है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहां पर डॉडवेल लिखते हैं, कौन डॉडवेल नाम का एक कवि कह सकते हैं, एक जो इनको गाइड करने वाला लिखने वाला है ना निदेशक। तो बात करते हैं इस महत्वपूर्ण सफलता के बाद ही दोनों फ्रांसी गवर्नरों डुप्ले और ला वुडेनो के मध्य इस स्थान को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। अब क्या हो गया इसके बारे में अगले पढ़ेंगे। तो बात करेंगे डुप्ले का उद्देश्य अंग्रेज उपनिवेशों को नष्ट करके व्यापार को समाप्त करना था, कि भाई जो कौन आया था, जो डुप्ले का उद्देश्य था वो था अंग्रेजों के उपनिवेश को खत्म करेंगे, यहां पर भारत में व्यापार नहीं करने देंगे। कौन व्यापार करेंगे, ओनली फ्रांसीसी करेंगे, ओनली वन फ्रांसी करेंगे। ये किसका उद्देश्य था, ये था डुप्ले की रणनीति थी। मगर बात करते हैं जैसा मेलिसन लिखते हैं, वह उस नीति को अपनाना चाहता था जो सिकंदर और बात करते हैं हनीवाल और बात करते हैं गुस्टावस की परंपरा में थी। जिस प्रकार से सिकंदर चाहता था कि पूरे भारत पर मेरा ही अधिकार हो, उसी प्रकार से डुप्ले चाहता था कि पूरे भारत पर हमारा ही व्यापार हो। तो बात करते हैं अर्थात युद्ध को दुश्मन के देश में ले जाना और अंतिम रूप से उसे कुचल देना उसका विचार था, जो उसके हाथों में मद्रास रहने से फोर्ट सेंट डेविस सांसद शायद ही बच सकेगा, क्योंकि फोर्ट सेंट डेविस पर अभी भी उनका अधिकार नहीं हुआ था जो उनका मुख्य केंद्र हुआ करता था, मगर उनका अधिकार मद्रास पर हो चुका था, ठीक है ना। चलो बात करते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट कहां पड़ता है आपको, तमिलनाडु में, ये मैंने पहले देख रखा है। कोरोमंडल तट पर निश्चित होने पर बंगाल में उनके उपनिवेश को नष्ट करने के लिए जहाजी बेड़ा भेजना संभव हो गया। दूसरी ओर ला वुडेनो का उद्देश्य लूट मार करना था। ला वुडेनो जो आया था मॉरिस से, उसका उद्देश्य था कि भाई सिर्फ लूट मार करेंगे, पैसा हड़पेंगे और चले जाएंगे। ये किसका था, ये था ला वुडेनो का उद्देश्य। वह अंग्रेजों को व्यापार को हानि पहुंचा एवं स्वयं धन कमाना चाहता था, मगर डुप्ले का उद्देश्य था कि हम पूरा व्यापार छीन लेंगे इनसे। तो डुप्ले ने उसे परामर्श दिया, प्रार्थना की, धमकी दी, विरोध किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। ला वुडेनो ने 4,00,000 पाउंड के बदले में अंग्रेजों को मद्रास वापस समझौता कर लिया, लेकिन समुद्री तूफान आने से उनकी स्थिति दुर्बल हो गई। और ला वुडेनो जो था वो किससे मिल चुका है, अब 4,000 पॉइंट की बात करें, किसकी, 4,00,000 पॉइंट की बात करें, 4,00,000 पॉइंट में मद्रास को दोबारा किसको दे दिया, अंग्रेजों के हाथों में सौंप दिया, ठीक है ना। किसने, ला वुडेनो, जो कहा था फ्रांस मॉरिस का रहने वाला था, जो किसकी, फ्रांस की सहायता करने को आया था, और इसने किसकी सहायता की, बाद में अंग्रेजों को यह बेचकर 4,00,000 में मद्रास को चला जाता है। समुद्री तूफान आने के में उनकी स्थिति दुर्बल हो गई। उसके बाद क्या जाता है आपको, समुद्री तूफान, मौसम गड़बड़ होता है और समुद्री तूफान देखने मिलता है, जिसमें क्या होता है अंग्रेजों के बहुत सारे जहाज क्या होते हैं, समुद्र में नष्ट हो जाते हैं।
इससे अनेक जहाज नष्ट हो गए, अतः बिना धन प्राप्त किए वह मॉरिशस लौट गया। क्योंकि जो कौन था, जो वुडेनो था, वुडेनो है ना, वुडेनो, वुडेनो जो था उसके जो जहाज हुआ करते थे, जो यहां से माल ले जा रहा था, जो 400,000 पॉइंट यहां से ले जा रहा था, वो सारे के सारे क्या होते हैं, डूब जाते हैं। और वो खाली हाथ कहां पहुंचता है, मॉरिशस पहुंचता है, ठीक ना। चलो तो यहां पर हमने देखा डुप्ले और ला वुडेनो के मतभेद के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, अब देखेंगे सेंट थॉमे और आडयार का युद्ध। कौन सा, सेंट थॉमे और आडयार का युद्ध अब यहां पर देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, तो बात करते हैं ला वुडेनो के जाने के बाद डुप्ले को अपनी नीति क्रियान्वित करने का अवसर प्राप्त हो गया। उसने अंग्रेजों के साथ की गई संधि को अस्वीकार करके मद्रास पर अधिकार कर लिया। वहां पर क्योंकि मद्रास पर अधिकार किसका हो चुका है, अब हो चुका है फ्रांस का दोबारा, क्योंकि अंग्रेज क्या हुए थे, अंग्रेज जहाज समुद्र में क्या आ चुका था, तूफान आ चुका था, अंग्रेज कमजोर हो चुके थे, और जो पीटर था वो कहां चला चुका था, वो बंगाल जा चुका था, ठीक ना। तो इस प्रकार से उन्हें मौका मिल जाता है डुप्ले के लिए, और वह मद्रास पर अधिकार कर लेता है। जब डुप्ले मद्रास पर अपना अधिकार दृढ़ करने लगा तो नवाब अनबुद्दीन, जो कहां का शासक था, है ना, इसी सहायता मांगी थी डुप्ले ने पहले, और इसने हेल्प भी की थी, मगर बाद में ये उसके अपोजिट हो जाता है जब वह मद्रास पर अधिकार करता है तब, ठीक है ना, और इसको नहीं देता मद्रास, इसको मद्रास नहीं सौंपता है, तब ये क्या हो जाता है, डुप्ले का अपोजिट देखने को मिल जाता है। तो बात करेंगे ना, अनबुरुद्दीन को संदेह हुआ कि डुप्ले स्वेच्छा से मद्रास उसे समर्पित नहीं करेगा, अतः अपने पुत्र जो हुआ करता था कौन, महफूज खां, कौन था, महफूज खां, अनबुरुद्दीन का पुत्र हुआ करता था महफूज खां, महफूज खां के नेतृत्व में उसने एक सेना मद्रास पर अधिकार करने के लिए भेजी। डुप्ले ने पर्याप्त रूप से प्रयत्न किया कि नवाब से संघर्ष ना हो, लेकिन बाध्य होकर उसे एक फ्रेंच टुकड़ी किसके खिलाफ, महफूज खां के खिलाफ भेजनी पड़ी, ठीक है ना। चलो अगले बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं भेजनी पड़ी। युद्ध मद्रास के निकट आडयार नदी के तट पर हुआ, तो ध्यान रखना ये किस किसके बीच होता है, तो आपको ये होता है आडयार नदी के कहां पर, आडयार नदी के तट किस किसके बीच होता है, फ्रांसी, है ना, फ्रांसी और किसके बीच होता है, और होता है किसके, आपको कि और होता है नवाब का बेटा कौन था, अभी हम देखा था ना, नवाब का बेटा कौन था, अभी हम देखा था कौन था, महफूज खां, है ना। ये डुप्ले और महफूज खां के बीच क्या होता है, युद्ध होता है आडियार का, कब हुआ था, ये डेट लिखी नहीं लिखी है, डेट नहीं लिखी है, चलो कोई बात नहीं, ठीक ना। तो ध्यान रखना किसके बीच आडियार का युद्ध होता है, किसके बीच, ये होता है डुप्ले, किसके बीच, डुप्ले और किसके बीच, आप हो गए डुप्ले और, अभी देखो फिर भूल गया, ठीक है ना, चलो रुको 1 मिनट रुको, महफूज का, ठीक है ना, डुप्ले और महफूज का, किसके बीच, आडयार का युद्ध होता है डुप्ले और किसके बीच होता है, और महफूज का, ठीक है ना, महफूज, महफूज खां के बीच, ठीक है ना, डुप्ले और महफूज, भैया डूब रहे हैं तो महफूज कर लो, है ना, डूब रहे हैं तो भैया महफूज कर लो, हमें बचा लो, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, डूब रहे हैं महफूज कर लो, हमें बचा लो, ठीक है ना, आराम से याद रहेगा। चलो बात करते हैं, आडयार नदी के तट पर स्थित सेंट थॉमस नामक स्थान पर हुआ था, कहां पर, सेंट थॉमस नामक स्थान पर हुआ, जिसमें नवाब की सेना पराजित हो गई। निश्चय ही यह युद्ध एक साधारण घटना थी, असाधारण घटना थी। इसमें 400 प्रशिक्षित फ्रांसीसियों सैनिकों ने, यह बहुत बड़ी वहां पर लाइन की गई है कि केवल 400 लोग थे फ्रांसी, और सैनिकों के नवाब के 10,000 सैनिकों को पराजित कर दिया। डुप्ले के ओनली 400 सैनिकों ने नवाब के महफूज खां के 10,000 सैनिकों को परास्त कर दिया। इससे सिद्ध हो गया कि पाश्चात्य ढंग से प्रशिक्षित और सुसंगठित छोटी सेना विशाल भारतीय सेना को पराजित कर सकती थी। बात करते हैं, इससे डुप्ले को यह प्रोत्साहन प्राप्त हुआ कि वह स्थानीय राजाओं पर फ्रांसीसी नियंत्रण स्थापित
कर सकता है, क्योंकि 400 लोगों ने 10,000 सैनिक को गिरा दिया मारकर, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होता है, डुप्ले और भी प्रोत्साहित होता है, ठीक है ना, भारत में अधिकार करने के लिए। चलो भी बात करेंगे डुप्ले की असफलता के बारे में, बात करेंगे क्या रही डुप्ले की असफलता। देखो यहां पर डुप्ले जीतता तो है, डुप्ले जीतता है क्योंकि अंग्रेजों को ब्रिटेन से सहायता नहीं मिल पाती, सरकार से सहायता नहीं मिल पाती है, इसलिए यहां पर क्या होते हैं। और पहली बात तो अयोग्य वहां का बन चुका था, है ना, बंगाल का गवर्नर क्या था, अयोग्य बन चुका था, इस वजह से भी क्या मिलती है डुप्ले को सफलता देखने को मिलती है। मगर डुप्ले की असफलता मतलब ये किस पर अधिकार नहीं कर सका, ये फोर्ट सैंडर डेविस पर अधिकार नहीं कर सका, ये एक असफलता यहां पर देखने को इसकी मिल जाती है। तो बात कहते हैं आरडीआर की विजय के प्रोत्साहित होकर डुप्ले ने 18 माह तक अंग्रेजों की एक बस्ती फोर्ट सेंट्रल डेविस पर अधिकार करने के प्रयत्न किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मैंने कहा था ना कौन सी, फोर्ट सेंट डेविस पर एक शहर हुआ करता था, बस्ती हुआ करती थी सेंट, फोर्ट सेंट डेविस जो अंग्रेजों का अड्डा हुआ करता था, इस पर उसे अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, इसमें उसे असफलता देखने को मिली। आरडीआर के युद्ध के कारण उसकी कर्नाटक में नवाब अनवरुद्दीन से भी शत्रुता हो चुकी थी, अनवरुद्दीन से भी मतलब जो है ना महफूज खां थे उनसे भी, और उनके पिता अनवरुद्दीन से भी क्या हो चुकी थी, शत्रुता हो चुकी थी। अतः फोर्ट सेंट डेविस के घेरे के समय नवाब अंग्रेजों की सहायता कर रहा था, है ना, नवाब जो था वो अंग्रेजों की सहायता कर रहा था। यह देखकर डुप्ले ने नवाब को चेतावनी दी, यह देखकर डुप्ले क्या करता है, अनवरुद्दीन को चेतावनी देता है कि अगर आप उनसे अंग्रेजों की सहायता देना बंद नहीं किया तो वह उसकी राजधानी आरकाट पर आक्रमण कर देगा। इससे नवाब भयभीत होकर उसने महफूज खां को कहा कर लिया, अपने बेटों को वापस बुला लिया, लेकिन इससे डुप्ले को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। बात करेंगे 1748 ईस्वी में यहां पर वोस केविन की अध्यक्षता में, कौन सा, वोस केविन की अध्यक्षता में, तो वो सुन कौन है, ये एक जहाजी बेड़ा लेकर आएगा अंग्रेजों की हेल्प करने के लिए। तो बात करेंगे 1748 ईस्वी में वोस केविन की अध्यक्षता में एक अंग्रेजी जहाजी बेड़ा इंग्लैंड से आ गया, है ना, भारत आ पहुंचा। बात कहते हैं इससे स्थिति परिवर्तित हो गई, क्योंकि अब अंग्रेजों की सहयोगी दृढ़ हो चुकी थी, अब अंग्रेजों ने पांडिचेरी पर घेरा डाल दिया, कौन सी, जहां पर फ्रांसियों का अधिकार हुआ करता था, मुख्य केंद्र था, वहां पर अब अंग्रेज क्या चुके हैं, अंग्रेज घेरा डाल दिया। बात करते हैं नवाब ने भी उनकी सहायता के लिए कुछ सैनिक भेजे, जो अनवरुद्दीन था उसने भी। बात करते हैं डुप्ले ने भी साहस और योग्यता से पांडुचेरी की रक्षा की, इस समय भाग्य ने भी डुप्ले का साथ दिया, अंग्रेजों ने पांडुचेरी के घेरे का संचालन अयोग्यता से किया, कैसे, योग्यता से नहीं किया, अयोग्यता से किया। बात करते हैं इस समय मानसून आ जाने के कारण वोस केविन को बाध्य होकर घेरा उठाना पड़ा। मानसून आता है और समुद्र में हलचल महसूस हो जाती है, जहाजे नष्ट हो जाते हैं, और वहां पर क्या होता है ना, मतलब ये यूरोप और एशिया से कनेक्शन क्या होता है, टूट जाता है, और वहां पर क्या मिलता है, डुप्ले को थोड़ी सी राहत देखने को यहां पर मिलती है ना, बाध्य होकर घेरा उठाना पड़ा, वह वापस सेंट डेविस लौट गया जो अंग्रेजों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। बात करते हैं उसे दोबारा घेरा डालने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि इसी वर्ष 1748 ईस्वी में यूरोप और ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी के बीच एक संधि देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं एक्सला सेपेल की संधि, कौन सा, एक्सला सेपेल की संधि से युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। संधि की शर्तों के अनुसार मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल गया और बोस के बिन वापस इंग्लैंड क्या होता है, फिर वो चला जाता है। इस प्रकार कर्नाटक का पहला ऑंग्ल कर्नाटक जो था
ऑंग्ल फ्रांस संघर्ष जो था वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसमें किसी पक्ष की कोई क्षेत्रीय लाभ नहीं हुआ था, इसमें कोई भी लाभ देखने को नहीं मिला। जो फ्रांसियों ने मद्रास छीना था उनको वापस कर दिया गया। यहां पर मेन पॉइंट याद रखना है, जो संधि कौन सी हुई थी, प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि के अनुसार समाप्त हुआ था, तो ध्यान रखना है एक्स ला सेपेल की संधि। कौन सी? एक्स ला सेपेल की संधि के अनुसार प्रथम जो कर्नाटक युद्ध होता है वो समाप्त यहां पर देखने को मिल जाता है। तो ये आपको यहां पर अभी लेक्चर भी थोड़ा सा और है, क्योंकि इसके कुछ अगले हम देखेंगे यहां पर, देख कर्नाटक प्रथम कर्नाटक युद्ध के महत्व, इसके क्या क्या महत्व रहे, इनके बारे में हम अगले डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं तो बात करेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर, इनके कुछ हेडिंग मिलेंगी आपके लिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध के महत्व क्या क्या रहे इनके बारे में समझेंगे। तो बात करेंगे प्रो डॉडवेल क्या लिखते हैं, प्रो डॉडवेल के अनुसार लिखते हैं कि यह युद्ध एक युगंतकारी घटना थी, यद्यपि बृहद रूप से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ था और क्षेत्रीय सीमाएं पूर्व के समान ही थी, बात करेंगे फिर भी आंतरिक रूप से सारी स्थिति बदल चुकी थी। वह लिखते हैं कि इसने कुशलतापूर्वक कार्य लेने पर समुद्री शक्ति का जबरदस्त प्रभाव बताया था, है ना, यहां पर समुद्री शक्ति जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलता है। और बात करते हैं, इसने बताया कि भारतीय सेनाओं के लड़ने का ढंग यूरोपीय ढंग से अच्छा है, मतलब भारतीय सेनाओं का जो लड़ने का ढंग से यूरोपीय ढंग जो है वो कैसा है, अच्छा है। यूरोप जो है वो लड़ने का तरीका उनका अच्छा है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता ही है, ठीक है ना, डुप्ले ने कितने सैनिक को हराया था, महफूज का के 10,000 सेना को हरा दिया था। बात करेंगे, इसने उस राजनीतिक पतन को बताया, उसने उस राजनीतिक पतन को बताया जिससे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के हृदय को जकड़ लिया था। तो बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है, संक्षेप में युद्ध के परिमाण इस प्रकार थे। कौन कौन से युद्ध के परिमाण देखने को मिले, युद्ध के कौन कौन से परिमाण देखने को मिले, बात करते हैं इसने यूरोपीय व्यापारियों को राजनीतिक शक्ति बना दिया, जो यूरोपीय व्यापारी थे उनकी राजनीतिक शक्ति बना दिया, क्योंकि यहां के तो जो राजा महाराजा हैं वो कैसे हैं, वो भी बहुत ही कमजोर हैं। दूसरा क्या था, डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने की प्रथम बार गंभीर रूप से कल्पना की थी कि भाई भारत में फ्रांस शासन हो सकता है, क्योंकि हमने 4,000 सैनिकों ने 10,000 सैनिकों को महफूज खां को हराया है। तो इस प्रकार से उसके मन में भी भावना देखने को मिली। तीसरा क्या था, दोनों कंपनियों की शक्ति बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ, दोनों अपनी अपनी कंपनियों का शक्ति बढ़ाने लगे, क्योंकि बाई चांस देखने को मिला तो हम क्या करेंगे, हम लड़ सके। बात करेंगे भारत की राजनीतिक दुर्बलता स्पष्ट हो चुकी थी, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी और जो राजनीतिक और बात करें कैसी भी हो सैनिक व्यवस्था, वो सारी की सारी स्पष्ट हो चुकी थी कि ये लोग कितने कमजोर हैं। बात करेंगे नौसेना तथा प्रशिक्षित सैनिकों का महत्व स्थापित हुआ। बात करते हैं सैलेसन का महत्व क्या है इनके बारे में देख लेते हैं। ये क्या कहते हैं कि इस युद्ध ने यूरोपीय शक्ति के द्वारा भारत विजय का मार्ग अज्ञात रूप से प्रशस्त कर दिया था। इस युद्ध के बारे में कंफर्म हो गया था कि हाँ यहां पर भारतीय अधिकार नहीं करेंगे, यहां पर कोई ना कोई कंपनी ही अधिकार करेगी, ठीक है ना। चलो तो यह अपना हो जाता है प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में पूरा हमने डिस्कस किया और प्रकार से हमने इसके बारे में समझा, ठीक है भाई। चलो मेरा मानना है कि आप लोगों ने डुप्ले और बात करते हैं यहां पर सारा की सारा आपको याद हो गया होगा, ठीक है ना। चलो तो फ्रेंड्स यहां पर प्रथम कर्नाटक युद्ध अपना क्या होता है, समाप्त होता है। और जिस किसी को पीडीएफ चाहिए, ठीक है ना, जिस किसी को पीडीएफ चाहिए वो कहां चले जाएंगे, ऑंग्ल फ्रांसिस संघर्ष के कारण आगे पहुंच गया। डुप्ले की नीति वो चले जाएंगे हमारी किस पर, साइट पर, हमारी साइट पर जैसे ही आप जाओगे तो आपको वहां पर इसका नोट्स मिल जाएगा, ठीक है ना, इसका नोट्स मिल जाएगा, आप वहां पे उसको लेकर और आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, और अगर आप वीडियो को ही देख लेते हो अच्छी प्रकार से, है ना, अगर आप वीडियो को ही अच्छी प्रकार से देख लेते हो, एक से दो बार रिवाइज करते हो, कुछ इंपोर्टेंट चीज बचती हैं तो उनको आप लिख लेते हो और उनको रिवाइज करते हो, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा।
चाहे वो एमसीक्यू आए, चाहे थ्योरी वाइज आए, चाहे लिखित परीक्षा हो, चाहे कुछ भी हो, सिविल एग्जाम दे देना, तब भी आपका झंडा गड़ जाएगा। ठीक है भाई, बस आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, अच्छी प्रकार से डिस्कस करना है एक एक क्वेश्चन के लिए। अगर वो ग्रुप में तो ग्रुप में डिस्कस कर लेना, ठीक है ना, अच्छा रहता है। तो भाई लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कर्नाटक सेकंड युद्ध के साथ, तब तक के लिए भाई जय हिंद, सभी के लिए जय भारत।